कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक तरफ है वीवो S1 और दूसरी तरफ है वीवो S1 Pro। तो ये देख सकते हैं दोनों ही एक ही ईयर में बनाए गए 2019 में हेडफोन्स हैं, लेकिन एक जो है S1 ये और दूसरी तरफ S1 Pro, तो इस दोनों में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। लुक वाइज में भी डिस्टेंस है और स्पीड वाइज में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये देख सकते हैं साइज़ और लुक में काफ़ी फ़र्क है। S1 और S1 Pro का डायमेंशन बिल्कुल एक जैसा है ये आप देख सकते हैं, लेकिन वेट में फ़र्क आ रहा है। ये देख सकते हैं नीचे साइड में हमें स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन S1 में हमें सिंपल चार्जिंग बेस मिलता है और S1 Pro में हमें टाइप सी चार्जिंग बेस मिलता है। बाकी साइज़ में भी फ़र्क है, ये आप देख सकते हैं दोनों का लुक वाइज काफ़ी चेंज है और वेट में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं अपर साइड में हमें फ्री मोड मिलता है और S1 में कुछ नहीं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा डिस्टेंस हमें यहाँ शो हो रहा है। S1 भी आप देख सकते हैं और S1 Pro भी आप देख सकते हैं कि S1 Pro ज़रा मोटा है और S1 जो है पतला। अगर हम S1 Pro की वेट की बात करें तो 186 ग्राम है और अगर S1 की वेट की बात करें तो 179 ग्राम है। तो वेट में काफ़ी फ़र्क है। S1 बहुत ही इसमें लाइट वेट में बनाया गया फ़ोन है। S1 जो है 4 GB रैम है और 128 GB रोम है और S1 Pro जो है वो 8 GB रैम है और 128 GB रोम है, मतलब 8/128 है और S1 4/128 है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है रैम वाइज, क्योंकि वो इससे हाफ ज़्यादा रैम है। S1 में 4 है और S1 Pro में 8 GB रैम है, तो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। 4 GB रैम आगे है S1 Pro S1 से। तो ये देख सकते हैं स्मूथनेस लेवल भी आप देख सकते हैं कि S1 Pro काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है S1 से। ये देख सकते हैं आप, अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोनों की सुपर इमोलेड डिस्प्ले है और दोनों की डिस्प्ले साइज़ सेम है। 6.38 इंच डिस्प्ले है जो कि 83 स्क्रीन टू बॉडी रेटियो है। अगर रेजोल्यूशन की बात करें वो भी सेम है, दोनों का 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन है। दोनों एंड्रॉयड 9.0 में बनाए गए हैं। मीडियाटेक दोनों में S1 में मीडियाटेक आता है और जो S1 Pro इसमें स्नैपड्रैगन 665 जैसा प्रोसेसर आता है और S1 में हेलियो P65 है। तो यहाँ S1 Pro ने जीत लिया। CPU में की बात करें तो दोनों में ऑक्टोकोर आता है, लेकिन फ़र्क यह है कि S1 में ऑक्टोकोर 2X2 है और S1 Pro में 4X2 है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आप यहाँ में शो हो रहा है। और अगर GPU की बात करें तो S1 में माली G52 MC2 है और S1 Pro में एड्रीनो 610 है। तो यहाँ भी S1 Pro ने जीत लिया है। तो ये देख सकते हैं S1 जो है ये 4/128 है और S1 Pro जो है 8/128 है। तो बहुत ही बड़ा गैप है वर्जन वाइज, लुक वाइज, स्पीड वाइज। तो S1 Pro ने यहाँ जीत लिया है। बाकी दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। ये देख सकते हैं दोनों का स्पीड में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन नेटवर्क की बात की जाए तो दोनों ही LTE है, दोनों पे आप LTE यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस हमें यहाँ रैम में मिलता है, प्रोसेसर में मिलता है, ग्राफिक्स में मिलता है, वेट में मिलता है, स्पीड, मतलब हर लिहाज से इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। और कैमरे में भी दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है S1 Pro S1 से। तो ये देख सकते हैं यहाँ साफ सी बात है कि S1 Pro ने जीत लिया है। ये बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है यहाँ शो हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि दोनों की हम बैटरी लेवल की बात करें तो बैटरी लेवल दोनों का एक जैसा है। 4500 MAH बैटरी S1 का भी है और 4500 बैटरी जो है S1 Pro का भी है। दोनों नॉन रिमूवेबल बैटरी है, दोनों 18 वाट वाइड चार्जर के साथ है। अब आते हैं मेन कैमरे की तरफ। तो जो S1 है इसमें हमें मैक्सिमम कैमरा 16 MP मिलता है और S1 Pro में हमें 48 MP कैमरा मिलता है, लेकिन S1 Pro जो मेरा वाला मोबाइल है इसमें ज़रा सा डस्ट है कैमरे में। तो यहाँ S1 क्लियर आ रहा है, लेकिन अगर सच्ची बात हो तो यहाँ S1 Pro जो है बहुत हैवी है कैमरे में। तो मेरे वाले कैमरा जो है S1 Pro का इसमें दूर मतलब डस्ट गया है, तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बाकी कैमरे में काफ़ी फ़र्क है। अगर साफ़ कैमरा हो, S1 Pro का कैमरा साफ़ हो, तो S1 Pro काफ़ी अच्छा है S1 से। और दूसरी बात ये S1 में हमें प्रोटेक्ट मोड नहीं मिलता और S1 Pro में हमें प्रोटेक्ट मोड भी मिलता है। तो प्रोटेक्ट वाइज भी S1 Pro ने जीत लिया है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क आ रहा है। अब आते हैं सेल्फी की तरफ। सेल्फी कैमरा में आप देख सकते हैं कि S1 जो है 32 MP है और S1 Pro जो है वो भी 32 MP, तो दोनों एक जैसे हैं। थैंक्स फॉर वॉच, दूसरी वीडियो में मिलते हैं।